हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी जो इंटरव्यू की क्लास है, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग जो है देखेंगे कि साइंस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और किस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। और अभी जल्दी जो है कुछ दिनों में जो है आपके एडमिट कार्ड जो है इंटरव्यू के जो कॉल लेटर्स हैं वो जारी हो जाएंगे, वो कभी भी जारी हो सकते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 31st से आपके इंटरव्यूज़ जो है वो प्रस्तावित हैं और अभी तक जो है उसमें कोई भी चेंजिंग की नोटिस नहीं आई है। तो आप उम्मीद करके चले कि 31st से ही आपके इंटरव्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और 24th को PET है, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। मैंने जो है उसमें जो है 20 मार्क्स का जो DI आने वाले हैं उसको मैंने जो है कराया हुआ है। आप उसमें देखेंगे आपको हर तरह के जो उसमें मिक्स्ड आपके ग्राफ हैं या फिर बार ग्राफ है, ठीक है, पाई चार्ट है, टेबुलेशन है, जो सारी चीज़ें हैं वो सभी मैंने कराई है, ताकि कम से कम देखो PET के लिए बस इतना कहना चाहूँगी कि आप सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कदापि ना करें, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। जो सेक्शन आपके स्ट्रांग है उसको ही करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है कई जगह सुनने में। सब लोग कह रहे हैं कि 100 में 100 करके आइए, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की 1/4 है, यानी कि 4 आपके क्वेश्चन जो है अगर गलत होंगे तो सिर्फ 1 नंबर कटेगा। ये बात ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि सबके तुक्के सही ही लगते हों, इसलिए कोशिश यही करिएगा कि जो पहले आपको अच्छी तरीके से आता हो उसको करें, ठीक है। जिस ऑप्शंस में 2 में आपको कन्फ्यूज़न है उसको भी आप रिस्क लेके अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि या तो वो सही होगा या तो गलत ही होगा, लेकिन बिल्कुल भी ब्लाइंडली गेस ना मारें, ठीक है, बिल्कुल भी ब्लाइंड गेस ना करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में, ऑप्शन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, आप उसको ना टच करें तो ही बेहतर होगा, बिकॉज आपको पता है कि एक एक नंबर की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। स्टार्ट कर लेते हैं साइंस में। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का सेक्शन देखेंगे, ठीक है, और फिजिक्स के सेक्शन में मैं बता दूं, मैंने बताया भी है पहले कई बार, बस टॉपिक्स बता रही हूँ मैं, डेफिनेशन वगैरह या फिर बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगी, आप पढ़ लें खुद से, ठीक है। बस मैं बता रही हूँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें यूनिट्स है ना, मात्रक ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है, मात्रक जिसे आप बोलते हैं यूनिट्स, ठीक है। अब देखो मात्रक में भी देखो आपको पता है कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर मात्रक आपसे किसी का स्पेशली नाम लेके पूछा जाए कि चलो बताओ कि ताप का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो अलग बात है, ठीक है। मात्रक में आपको इन लोग का, इन सबका जो है, लोग का नहीं, इन सबका जो है आपको मात्रक पढ़ना है। मात्रक के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, आपको पता है। एक होता है फंडामेंटल यानी कि मूल मात्रक, ठीक है, और एक होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक आप सभी को पता है क्या होते हैं, मूल मात्रक और डेराइव यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो आपके बेसिक जो यूनिट्स होते हैं वो कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जो है जो मूल मात्रक से उत्पन्न किए जाते हैं वो होते हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें से आप एक ये भी चीज़ जानना कि SI पद्धति में कितने मात्रक होते हैं, 7, ठीक है। SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, ठीक है। कौन कौन से है बता दे रही हूँ, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की परिभाषा है, ठीक है। ये सभी भौतिक राशियाँ हैं, 7ों इनके जो है 7 मूल मात्रक होंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट चीज़ जो है आपको है, जैसे जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बेसिक चीज़ें में जैसे क्या, जैसे कि आपको जो है कहा जाए आपका कि भाई प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है, दूरी का मात्रक है ना, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो अब जैसे ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष जो है किसके बराबर होता है, तो ये होता है 9.46 × 10^15 मीटर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए, ठीक है। और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है, तो वो होती है पारसेक, जिसे हम लिखते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष, या जिसे लिखते हैं 3.08 × 10^16 मीटर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आप पढ़ के जाएं। अब जैसे आप कहते हैं कि बल का मात्रक क्या है, तो देखो SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। पद्धतियाँ होती है, एक SI होता है, एक आपका CGS होता है। SI में क्या होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक, लेकिन CGS में क्या होता है, वो डाइन होता है। अब दोनों को अगर आप उसमें, दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन बताना है तो क्या होगा, 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होता है, 10^5 डाइन के। तो इसी तरह की चीज़ों को आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कार्य का मात्रक पूछा जाए SI पद्धति में तो जूल होता है, लेकिन CGS में होता है आपका अर्घ। अगर जूल और अर्घ में अगर आप
निकालनी है रिलेशन, तो एक जूल किसके बराबर होता है, ये होता है 10^7 अर्घ। देखो इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ बता देती कि मात्रक पढ़ के जाना, तो सिर्फ आप मात्रक पढ़ के जाते, तो ये सारी चीज़ भी पढ़ना है आपको, इस तरह से रिलेशन जो है आपको निकालने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली चीज़ क्या है, आप सेकंड चीज़ जो पढ़ना वो पढ़ लेना आप, अदिश और सदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। पढ़ने का सबसे आसान तरीका, दो ही चीज़ देखी जाती है अदिश राशि में और सदिश राशि में, वो दोनों चीज़ें होती क्या हैं, परिमाण और दिशा, ठीक है। अदिश, अदिश मतलब बिना दिशा के, सदिश ठीक है मतलब दिशा के साथ, यानी कि अदिश में क्या है, अदिश में सिर्फ क्या होता है आपका, परिमाण होता है, ठीक है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। और सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। एकदम सिंपल सा सुलझा हुआ डेफिनेशन आपका है, ठीक है। अदिश राशि के अगर आपके एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, द्रव्यमान हो गया, भाई द्रव्यमान में परिमाण तो मालूम चल रहा है, दिशा नहीं है, ठीक है। कार्य है, समय है, ठीक है, ऊर्जा है, ये सभी आपकी अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। और इसमें आयतन है, ख्याल है, बहुत सारे लोग देखो ये सब चीज़ समझ में आती है, ख्याल में लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, तो ख्याल भी अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। सदिश राशि के एग्जाम्पल्स जैसे वेग है, ठीक है, विस्थापन हो गया आपका, वेग विस्थापन, साथ में जो है बल त्वरण, तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ इनके एग्जाम्पल ज़रूर से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ठीक है, इनके जो फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम्पल दे दिया वेग त्वरण, फिर आपसे पूछ लिया गया वेग क्या होता है, तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, तो इसको ज़रूर से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट जो आपको थर्ड पढ़ना है, इसमें जो पढ़ के जाना है, ये सब चीज़ें तैयार करना है, बेसिक चीज़ें हैं, न्यूटन के नियम, ठीक है। तो न्यूटन के नियम में, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम होता क्या है इसको भी पढ़ेंगे। प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाता है, जैसे कहा जाता है जड़त्व का नियम, ठीक है, दूसरा कहा जाता है इसको गैलीलियो का नियम, ठीक है, गैलीलियो का नियम, तो इसको ध्यान रखेंगे। और जो इसका प्रथम नियम होता है, ठीक है, वो आपको वहाँ पूछा जाता है कि बताइए, तो सिंपल सा है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए, ठीक है, बस ये सिंपल सा है। इसके बाद से जो है न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम, ये क्या होता है, तो जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, अच्छा पहले तो देख लो कि ये जो आपका है जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहलाता है जो प्रथम नियम होता है, और द्वितीय नियम क्या होता है, ये भी जो है एकदम सिंपल ही है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, आप वहाँ से देख लेंगे, आपकी बेसिक जो बुक्स होंगी आप वहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद से आपको पढ़ना है न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि जो तीनों नियम हैं न्यूटन के वो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस वाले बच्चों से, यानी कि जिनका भी इंटरमीडिएट साइंस बैकग्राउंड से रहा हो उनके लिए, ठीक है। उसके बाद से भले उन्होंने बीकॉम कर लिया हो या कुछ और किया हो, लेकिन ये पूछा जाता है न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ भी देते हैं खुद ही वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होता है, अगर रॉकेट को आप उड़ा रहे हैं तो रॉकेट के उड़ाने में भी न्यूटन का तृतीय नियम ही कार्य करता है। बंदूक से गोली चलाने पर जो चलाने वाला जो होता है वो पीछे की ओर उसको धक्का लग जाता है, तो ये न्यूटन का तृतीय नियम होता है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है नंबर 4, इसमें आपको अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, और जो इसके साथ एक और है वो होता है आपका अपकेंद्रीय बल, इनकी डेफिनेशन भी आप तैयार करेंगे, ठीक है। अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, अगर इंग्लिश में आप इसको लिखोगे तो कुछ आपको समझ में आएगा। अभी केंद्रीय को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपकेंद्रीय जो होता है
सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, फोर्स। दोनों को ध्यान में रखिएगा कि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय क्या होता है। वैसे मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ टॉपिक सभी, अगर आपको नहीं आएगा आंसर तो आप बताइएगा, मैं इसके आंसर भी करवा दूंगी, ठीक है। इसके बाद से जो पूछा जाता है उत्तोलक, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इसमें, उत्तोलक यानी लीवर, और इसमें जो है आपका आलम्ब, आयास और भार, आलम्ब, आयास और भार, ठीक है, ये फिजिक्स का हो रहा है अभी। उत्तोलक में फिर आप ये भी पढ़ लेना, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक, ठीक है, इसको भी आप कवर करेंगे, और इसके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उत्तोलक के प्रकार ये भी आप जो है कवर करेंगे, उत्तोलक के प्रकार, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तोलक के प्रकार कितने होते हैं, तीन होते हैं ना, एक प्रथम होता है, ठीक है, एक द्वितीय होता है और एक तृतीय होता है, और तीनों जो है किस पे होते हैं, आलम्ब, आयास और भार पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, इसमें जो होता है आलम्ब जो होता है वो आयास और भार के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि आयास और भार के बीच में कौन होता है, आलम्ब होता है, ठीक है, ये होता है आपका प्रथम का, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में जो आलम्ब होता है वो आयास और भार के बीच में होता है, ठीक है, आलम्ब जो है, अच्छा देखिए आलम्ब और आयास इनके बीच में आपको ये गलती हो गई है, इसको जरा सही कर लेना। तृतीय श्रेणी में क्या होता है, तृतीय श्रेणी में भार और आलम्ब के बीच में आयास होता है, ठीक है, तो यही बस इसमें जो है डिफरेंस है तीनों में, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल अगर लेना चाहें आप तो जैसे प्रथम श्रेणी का है दो तीन याद रखिएगा, इसमें जैसे आप मान लो कैंची इसमें लिख लो प्रथम श्रेणी में, ठीक है, कैंची होता है इसमें, पिलाश होता है, ठीक है, शीश झूला या फिर हैंडपम्प भी आप लिख लो, ठीक है। द्वितीय का अगर देखें तो द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में सरौता होता है, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है। इसके बाद से तीसरा अगर देख लीजिए तो तीसरा आपका क्या होगा, चिमटा हो गया। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से एग्जांपल्स जो है वो याद रखिएगा, ठीक है, और उत्तोलक के विषय में पढ़ के जाइएगा, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, ठीक है। इसके बाद से देखो अब जो है गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ध्यान रखना है ना, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ठीक है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, इतना जानना बस, इससे जानने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद से आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपली गतिज ऊर्जा को आप दिखाते हो कैसे, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपकी होती है पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है आपका एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। चलो, और मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी, मैंने आपको बताया है इसके पहले कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया होगा कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण जैसे आपका डायनेमो है, मोमबत्ती है, माइक्रोफोन है, विद्युत मोटर है, विद्युत बल्ब है, तो कौन से ऊर्जा में किस ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं ये मैं करा चुकी हूँ, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद से नेक्स्ट आपको जो है गुरुत्वाकर्षण बल बोल चुकी हूँ, तो आप उसको जो है न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है इसको जो है आप याद करेंगे, ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर आठ पे अगर हम देखते हैं जी का मान, तो जी का मान आपको विभिन्न परिस्थितियों में बताना है कि हर जगह पे क्या होता है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जी का मान कम हो जाता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है ना, तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है विषुवत रेखा पर, ये वन डे एग्जाम में भी आता है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो न्यूनतम होता है, ठीक है। बात करते हैं ध्रुवों पर, तो यहाँ पे महत्तम होता है, ठीक है, और पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर या नीचे जाते हैं तो घटता है,
ठीक है, तो ये भी आप करेंगे। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? जीवमान घटता है। तो इसी तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है, इसको आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नंबर 9 पे पलायन वेग। ठीक है, नंबर 9 पे आपको करना है पलायन वेग। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन आप ज़रूर से पढ़ लेंगे कि पलायन वेग होता क्या है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन में आपको और क्या चीज़ें पढ़नी है, तो देखो पूछने को तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रत्यास्था क्या होती है। ठीक है, तो प्रत्यास्था क्या होती है ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा, या फिर बर्नौली का प्रमेय है, जैसे ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। बर्नौली का प्रमेय ज़रूर से पढ़िएगा कि बर्नौली का प्रमेय होता क्या है। ठीक है, इसके बाद से आपको जो है जैसे पूछा जा सकता है कि श्यानता क्या होती है। ठीक है, केशिकत्व के उदाहरण बताइए। ठीक है, केशिकत्व के उदाहरण। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है आप खोज करके पढ़ें। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं वो भी जो है अपने बुक्स को उठा करके जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हों उनको जो है ज़रूर से पढ़ लें। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ मैंने छोड़ी हुई है, जैसे कि आवर्तकाल है। अब ये सब चीज़ें जो है बताने वाली नहीं। अब जैसे ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे में जो है 3 तरह की होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। एक आपका अश्रव्य होता है, ठीक है, एक श्रव्य होता है, और एक होता है आपका पराश्रव्य। ठीक है, तो ये तीनों जो है आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कि कब अश्रव्य होता है, कब श्रव्य होता है, और कब पराश्रव्य होता है। ठीक है, ध्वनि की चाल कहाँ अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, तो यहाँ नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, तो आप जानेंगे। ठीक है, अब आती है बात, जैसे प्रकाश में कुछ चीज़ें आपको जानने वाली हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए तो जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, प्रदीप्त होती हैं, जैसे कि सूर्य हो गया। ठीक है, और अप्रदीप्त जैसे कि जो जिनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो दिखने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आप टेबल है, चेयर है, इस तरह के क्वेश्चन आप करें। इसके बाद से अब जैसे मैंने आपको प्रकाश ने बताया है, तो उसमें आपका जो है अपवर्तन का नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपवर्तन का नियम। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आप एक बार जो है साइंस की क्लास दी है, आप उसको भी ज़रूर से देख लेंगे। कोशिश कर रही हूँ कि उससे अलग बताया जाए। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है, और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मैक संख्या क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैक नंबर। ठीक है, तो मैक नंबर में एक की विशेषता जान लो कि अगर मैक नंबर 1 के बराबर है तो ये होता है ट्रांसोनिक। ठीक है, अगर मैक नंबर जो है छोटा है 1 से, तो ये है आपका सबसोनिक। अगर मैक नंबर बड़ा है 1 से, तो ये है सुपरसोनिक। ठीक है, अगर मैक नंबर 5 से बड़ा है, तो ये होता है आपका हाइपरसोनिक। ठीक है, तो बेसिकली कभी कोई पूछ देते हैं ये सारी चीज़ें, तो इसको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बाद से नेक्स्ट हमें क्या करना है। नेक्स्ट जैसे है, इसमें आप पढ़ लेना प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ, नंबर 17 पे प्रकाश का प्रकीर्णन। सिर्फ आपको जो है टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लेंगे, इससे आपको भी आसानी होगी। ठीक है, लेंस की क्षमता मात्रक क्या होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है, के उपयोग, ये भी पढ़ लीजिएगा के उपयोग। चलो नेक्स्ट, इसके बाद से अब जैसे मैंने बताया है ध्वनि तरंगे बताया है, इसमें आपके जो हैं यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे होती हैं।
उसके बाद से देखो, अब आप जो है इसमें एक्सरेज का उपयोग आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे होता है, ठीक है, एक्सरेज का उपयोग, ठीक है, एक्सरे के आविष्कारक कौन है, तो रेंटजन है। उसका उपयोग कहाँ होता है, जैसे मेडिकल साइंस में होता है, ठीक है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है, तो आप उस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, ये क्या होती हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है, तो वाटर प्योरीफायर में यूज़ किया जाता है इनको, ठीक है, और भी कई जगह यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें याद रखें। इसके बाद से नेक्स्ट आपका है रमन इफेक्ट पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, इसमें जो है रमन इफेक्ट पढ़ लेना, रमन इफेक्ट, ठीक है। और मैंने अबिकेन ड्रिबल बताया ही है आपको, अबिकेन ड्रिबल और अबिकेन ड्रिबल जरूर से पढ़ लेना। इसके बाद से कैपलर्स लॉ पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो इसमें बर्नौली का प्रमेय बता दिया है, और इसमें जो है आप लोग जो है कैपलर्स लॉ पढ़ लेना, ठीक है, कैपलर्स लॉ और चार्ल्स का नियम और बायल का नियम, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ें आप, ठीक है। चार्ल्स लॉ 24th पे आपका बॉयल्स लॉ, ठीक है, इन दोनों को पढ़ेंगे। और इसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करनी है आपको। और जैसे आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण, ठीक। इसके बाद से आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका वो है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ के बाद से आपका ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना। और डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये भी ध्यान दे लेंगे एक बार, देख के ज़रूर से जाएंगे, ज़रूरी भी नहीं होता है कि साइंस वालों से साइंस ही पूछ लिया जाए, ठीक है, तो पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले साइंस ही पढ़ के चले जाना। किरचॉफ लॉ, ठीक। इसके बाद से चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका कुलाम का नियम, कुलाम का नियम है। इसके बाद से नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे वो है आपका वैद्युत फ्लक्स, नेक्स्ट है आपका इसमें, अब जैसे संधारित्र है, क्या होता है संधारित्र, है ना, तो ये सब चीज़ें देख लेना, ओम्स लॉ पढ़ लेना, ठीक है, नहीं भी पढ़ के जाएंगे ओम्स लॉ तो याद सभी को होगा, ठीक है। क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, जहाँ पे वी विभवांतर होता है, आई धारा होती है और आर प्रतिरोध होता है, ठीक है। फेराडे का नियम, मैंने पता नहीं रमन इफेक्ट बोला है कि नहीं बोला है, अगर नहीं बोला है तो ध्यान रखना, मैं रमन इफेक्ट पढ़ते जाना, मैं दोबारा लिखवा रही हूँ शायद, या पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोग पढ़ लेना इसमें फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है, मैं ये इनफ मैंने लिखवा दिया है, कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो वो दोबारा कवर करा ली जाएंगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ के जाएँ, और ऐसा ना करें कि किसी भी चीज़ के बारे में आप कुछ भी बोलने लायक ना रहें, कुछ ना कुछ आपको आना ही चाहिए। तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ के जाते हैं तो अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप कम से कम उसको बता सकेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है फिजिक्स के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान के, उसमें आपको इतना पढ़ना है, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें केमिस्ट्री करा दिया जाएगा, फिर एक बार मैथ्स करा दिया जाएगा, ताकि मतलब आपको मालूम चले कि किस तरह से पढ़ना है। और अदर सब्जेक्ट के लोगों को मैंने बताया है, क्योंकि देखो अब इंग्लिश से भी इस तरह के इतने सारे टॉपिक्स नहीं होते हैं कि आपको क्वेश्चन उठे, ना तो हिंदी से होते हैं। आप लोग अपना अपना ग्रामर पोर्शन तैयार करिए, ठीक
ठीक है, और अदर चीज़ें जैसे GS GK UPG के करंट पे जो है फोकस करिए, ठीक है, संविधान पे, ठीक है, अर्थव्यवस्था पे, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करें। बाकी जो सब्जेक्ट और स्ट्रीम के लोग हैं वो लोग जो हैं, अगर उन लोग में भी जो है इस तरह के टॉपिक्स हैं तो वो अपने अपने टॉपिक्स को तैयार करें। जैसे अकाउंट्स वालों के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो उस हिसाब से तैयार करें। तो ऐसे ही अपने अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ें, उनको तैयार करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।